हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3 पॉलीनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले द्विघाती समीकरण हम सोल्व करेंगे। द्विघाती समीकरण को सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला रैखिक गुणनखंड, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और तीसरा श्रीधराचार्य। रैखिक गुणनखंड की क्रियाविधि हमने इधर लिख दी है। पहले रैखिक गुणनखंड की क्रियाविधि पढ़ेंगे। मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि उन्हें जोड़ें या घटाएं तो मध्य पद प्राप्त हो जाए और उन्हें गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, देखते हैं इसको। मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि उन्हें जोड़ें या घटाएं तो मध्य पद आ जाए, यानी कि मुझे इसके दो टुकड़े ऐसे टुकड़े करने कि उनको मैं ऐड करूँ तो वापस मुझे ये मिल जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, बाह्य पदों के गुणनफल के, यानी कि कितना, 3 × 6x² के बराबर आ जाए। मैं एक काम करूँगा बेटा, यहाँ पर 6 के टुकड़े करूँगा, मैं देखूँगा 6 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, 6 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं चेक करूँगा मैं, तो 6 आते हैं 1 6 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में, ऐसे धोखे में भी आते हैं। ठीक है, वो एक ही बात है। अब इन दोनों में से मुझे देखना है कि मुझे माइनस के 7 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -6 -1 कितने होते हैं, माइनस के 7 होते हैं। -6 और -1 को अगर ऐड करते हैं तो माइनस के 7 आ रहे हैं, और -6 और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 6x आ रहा है। ठीक है ना, प्लस का 6x आ रहा है, तो मेरा जो मेरे पास जो टुकड़े होंगे वो माइनस के 6 और -1 होंगे। क्लियर है, इसको मिटा दें तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 2x² -6x -x+3 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, मैं इसके बाद में क्या करेंगे, अपन दो दो के जोड़े बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x दोनों में ही कॉमन आ रहा है, कितना 2x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ ओनली x और यहाँ माइनस कितना, 2x कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 2x से डिवाइड करना है दोनों को। ठीक है ना, यहाँ पर कितना होगा, 3। क्लियर है, माइनस कॉमन फिर लिया, यहाँ से इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा, माइनस का कॉमन आएगा, यहाँ कितना बचेगा, x -3 इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए फील करो कि पूरा एक बड़ा ब्रेकेट है, ऐसा मानो आप, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरे दो अपने पास में टर्म बनी है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है x -3 कॉमन आ रहा है। हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x -3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 2x - 1 इक्वल टू 0। इसके बाद कुछ नहीं करना, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, प्रत्येक पद को 0 के बराबर रखना, 0 के बराबर रखना है। अच्छा, ये 0 कब हुआ होगा, या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, तभी तो ये कंप्लीट 0 हुआ होगा, या हो सकता है कि दोनों 0 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x -3 = 0, यानी कि x = कितना आया, 3 अपने पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना, 2x - 1 = 0, यानी कि 2x = कितना, 1, x = कितना, 1/2। ये दोनों मेरे पास अपने पास क्या आ गए, मूल आ गए, दोनों क्या है अपने पास, मूल आ गए, रूट्स है ना। इन रूट्स को निकालने के अपने पास दो मेथड और है, पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य। इसी क्वेश्चन को इन दोनों पर भी अप्लाई करेंगे और इन दोनों से देखेंगे क्या यही सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में यही निकल के आएगा, पूर्ण वर्ग से ही श्रीधराचार्य आया है और अपन प्रूव करेंगे अभी श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है वो जो आया है वो पूर्ण वर्ग से कैसे आया। दूसरा है हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। पूर्ण वर्ग बनाने की हमारे पास क्रियाविधि है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, x² का जो कोफिशियंट है, x² का जो गुणांक है उसे इकाई बनाते हैं, यानी कि 1 बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, x² गुणांक इकाई बनाते हैं। यहाँ पर x² का जो कोफिशियंट है वो कितना है मेरे पास, 2 है, तो मैं पूरी समीकरण को या पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² -7/2x+3/2 = 0। मैंने x² का जो गुणांक था उसको क्या बना दिया, इकाई बना दिया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या कहता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का जो कोफिशियंट है कितना है, -7/2। ठीक है ना, -7/2, लेकिन मैं 7/2 ही फील करूंगा, -7/2 का स्क्वायर करूंगा, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक है, तो x का गुणांक कितना, 7/2, और 7/2 का आधा कितना, 7/2 का आधा कितना, 7/4। क्लियर है, 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ूंगा और एक बार क्या करूंगा, घटा दूंगा। अब ये काम करना कहाँ है, इसके बाद में करते हैं ये काम, x के गुणांक के बाद में। ठीक है ना, सेकेंड टर्म के बाद में, यानी x² -7/2x यहाँ तक एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद में
हम क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। मैं जोड़ रहा हूँ कितना, 7/4 का स्क्वायर एक बार ऐड किया और 7/4 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट किया और प्लस जो बची टर्म उसको सेम एज इट इज लिखनी है, इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर एकदम? यहाँ से लेकर के यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, चेक कर लीजिए आप। एक बार देखते हैं, x माइनस, यहाँ से x लिया मैंने, यहाँ से क्या लिया x, या माइनस का सिंबल था, मैंने माइनस ले लिया। यहाँ से मैंने कितना लिया 7/4 और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर खोल के देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab 7/2x प्लस b स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर। क्लियर है, यही हो रहा है, जो बचा है बाकी सबको उधर ले जाते हैं अपन, ठीक है, इक्वल के साइन के उधर। अच्छा ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, और होल स्क्वायर भी साथ के साथ खोल रहा हूँ, कितना 49/16, 3/2 उधर जाएगा, माइनस का 3/2। क्लियर है? अच्छा होल स्क्वायर तो खोलना आता है, उधर जाएगा 7 × 7 49, 4 × 16, ठीक है ना। एलसीएम लूंगा कितना आएगा, 16 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 49 माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा कितनी बार, 8 टाइम्स, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, 8 × 16 = 3 = 24, इक्वल टू कितना आया, 25/16। इधर मेरे पास वही सेम टर्म चल रही है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, रूट का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, x x माइनस 7/4 इक्वल टू, इधर रूट लग जाएगा 25/16। क्लियर है यहाँ तक? अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस 7/4 को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7/4। अच्छा अब इसका वर्गमूल ले रहा हूँ, तो एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4, यानी कि अगर मैं 4 का वर्गमूल लूँगा तो प्लस माइनस 2 दोनों ही, यानी कि प्लस का 2 भी होगा और माइनस का 2 भी होगा, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस 5/4। क्लियर है? 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। अब मुझे कुछ नहीं करना, एक बार प्लस लेना है पॉजिटिव और एक बार क्या करना है, नेगेटिव लेना है। सोल्व करते हैं, x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, एलसीएम कितना आ रहा है, 4, 7 + 5 इक्वल टू 7 × 5 = 12, 12/4 काटूंगा कितनी बार कटेगा, x इक्वल टू 3, 4 × 3 = 12, x इक्वल टू 3। एक बार नेगेटिव लिया, x इक्वल टू कितना होगा, 7/4 माइनस 5/4, एलसीएम कितना आया, 4 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना 7 - 5 कितना बचेगा, 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2/4, यानी कि 1/2, x इक्वल टू कितना आया, 1/2, और ये अपना पूर्ण वर्ग से सॉल्व। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करेंगे पूर्ण वर्ग से ही, ठीक है। 4x² प्लस 4√3x + 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक जो इकाई बनाते हैं, तो सबसे पहले पूरी समीकरण में किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 का भाग लगाया, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे कितना, प्लस √3x + 3/4 इक्वल टू 0। 4 का भाग लगा दिए पूरी समीकरण में, इसके बाद में क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो एक्स का जो गुणांक है वो कितना है मेरे पास, √3, √3 का आधा कितना, √3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, √3/2 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे। ये काम कहाँ करेंगे, इसके बाद में, ठीक है। तो ये रफ का काम है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर एक बार तो ऐड किया और √3/2 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बाकी एज इट इज उतारेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरे पास क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन चुका है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से x ले लिया और यहाँ से कितना ले लिया, √3/2 ले लिया, कंप्लीट पे होल स्क्वायर लगा दिया। जब मैं इसको खोलूंगा तो वापस यही आएगा, चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ही ये पूरा काम किया है, ठीक है ना। बाकी ये उधर जाएगा, क्या आएगा, हो जाएगा माइनस का, ये वाला साइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर भी खोल दो साथ के साथ, √3 का स्क्वायर कितना, 3/2 का स्क्वायर कितना, 4, और ये उधर जाएगा, क्या आएगा, होगा माइनस का हो जाएगा, -3/4। और एक चीज़ देखो, 3/4 - 3/4 इक्वल टू कितना,
जीरो, यानी कि एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, मैं इसको दो बार लिखूंगा कितना, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। वही काम प्रत्येक पद को जीरो के बराबर रखते हैं, प्रत्येक पद को, तो कितना है एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो और x प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। कुछ भी नहीं किया है, इन दोनों टर्म को जीरो के बराबर रखा है अलग अलग, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू और यहाँ पर x इक्वल टू वापस अगेन माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। दोनों मूल समान आ गए, दोनों रूट्स इक्वल है मेरे। और पूर्ण वर्ग जब श्रीधराचार्य अपन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है, क्या कंडीशन होने पर मूलों की प्रकृति समान होगी, कब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और कब दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद में श्रीधराचार्य।